मैडम सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। देखिए हम तो सुबह सुबह निकल गए थे, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथा कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर दो महीने पे सीबीआई हो ईडी हो इनकम टैक्स हो ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। अब बाहर जाकर बनाइए ना, नहीं यार हम लोग का सुंदर से चलता है सीरियल। फिर क्या लग रहा है कि कुछ नहीं कुछ लगातार वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है, तो इस तरह से ये ठीक नहीं है क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। मुझे भी खबर मिला है कि सीबीआई की रेड चल रही है। अब मुझे नहीं लगता अब केंद्र सरकार अब अपना विंग बना करके अगर ये रेड प्रकोष्ठ बना दिया गया है सीबीआई को, तो बहुत दुखद है ये कि जो लोग नहीं आते हैं तो उनके पक्ष में तो किसी तरह उनको लाने का कोशिश किया जाता है, तो ये दुर्भाग्य है देश का, और क्या बोला जाएगा। ये इससे बड़ा कुछ दुखद हो ही नहीं सकता है। एन तेन प्रकेन सत्ता में आना चाह रहे हैं सारे लोग, तो इससे बड़ा दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता है। बीजेपी कह रही है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सही बात है, जनता भी बताएगी जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। 2024 के चुनाव में बिहार में तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। आपको भी आप लोग भी देख लेंगे, आप लोग भी सच्चाई थोड़ा बताया करें। अफवाह का पार्टी है ये, तमिलनाडु में किसी का हत्या ही नहीं हुआ है और वो सब इतना हंगामा मचा दिए, तो वैसी पार्टी है रूमर फैलाने वाली, इसमें मैं विशेष क्या बोलूँगा। ये कोई नई बात नहीं है, हमारी जो भारत की सरकार है उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है, कोई उसके ख़िलाफ़ बोले नहीं, कोई आका के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ अगर होगी बुलंद होगी तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये वही है, हम उसी सीरीज़ में देखते हैं। हम तब इसको उस सीरीज़ में नहीं देखते जब उसका आचरण पिछले 8 सालों में ठीक ठाक होता। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा अधिवेशन चल रहा था, 5वां मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ गया, और अगर जिसके ऊपर छापा पड़े और ये इनकी बोली बोलने लगे, इनकी ट्यून पे नाचने लगे, तो इनके वो उनके साथ हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में बहुत हैं, इसलिए ये प्रताड़ना करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, इससे कोई आवाज़ में दमदार जो आवाज़ है लालू जी की और इस सरकार की भारत सरकार के ख़िलाफ़, उसमें ज़रा बराबर भी कमी आने वाली नहीं। Yeah.